हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप दुबई या यूएई में आके काम सर्च कर रहे हैं या यहां पे जॉब करने वाले हैं, तो आप सबको पता है कि आपको वर्क वीज़ा में काम करना है। तो वर्क वीज़ा से रिलेटेड कुछ नए अपडेट्स हैं जो कि 1 जुलाई से चालू हो जाएंगे। ये यूएई लेबर लॉ के ही अंदर आता था, बट 1 जुलाई से जैसे काफी कुछ स्ट्रिक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो वर्क वीजा के ये जो अपडेट्स है ये भी एकदम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और हर किसी को स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरे अपडेट के बारे में आपको पता चले। तो दोस्तों, सबसे पहला अपडेट मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं, आपका वर्क वीजा है, तो आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए, क्योंकि अब जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा वही होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 1 साल में 1 महीने का पेड लीव आपको मिलेगा या 2 साल में 1 महीने का पेड लीव मिलेगा, तो वही होगा। आपका नोटिस पीरियड, प्रोबेशन पीरियड, ग्रेच्युटी कैसे मिलेगा, एंड सर्विस एंड का जो पूरा प्रोबेशन होता है वो कैसे आपको देना होगा, सारी चीजें जो आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा होगा वही आपको मानना होगा और आपके एम्प्लॉयर को भी वही रूल फॉलो करना होगा। ये रहा पहला अपडेट। सेकेंड अपडेट के बारे में बात करते हैं कि जब आपका वर्क वीजा कैंसिल हो जाता है या कंपनी आपका आपको कैंसिल कर रही है या आप खुद जॉब एग्जिट करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो अगर आप यहां से जाना चाहते हैं तो आपको जो 1 महीने का टाइम मिलता था या बोल सकते 28 दिन का टाइम मिलता था, वो अब बढ़ा के 180 डेज कर दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, आप उसी वर्क वीजा में आपको कंपनी बैन नहीं लगा सकती या फिर आपका वीजा कैंसिल नहीं कर सकती, हालांकि आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मानने पड़ेंगे। तो ऐसे केसेस में आप 180 डेज तक यूएई में रह सकते हैं, उस बीच आप एग्जिट भी जा सकते हैं या फिर नई जॉब सर्च भी कर सकते हैं, नया जॉब खोज भी सकते हैं। तीसरे अपडेट के बारे में अगर बात करें कि अगर आप जॉब चेंज करते हैं, बीच में अगर आपने जॉब चेंज किया, मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है, क्योंकि अभी लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होने लगे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है तो बीच में अगर आप 2 ही साल में कंपनी चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आपको पूरा नोटिस पीरियड सर्व करना होगा, आपका जो भी प्रोबेशन पीरियड होगा उसमें कंपनी को आपको बताना होगा। तो सारे सर्विस देने के बाद आपका वीजा अगर लगा हुआ है तो फिर जो आपकी नई कंपनी है उसको बाकी जो पेमेंट है, वीजा का पेमेंट है, वो आपकी पुरानी कंपनी को, यानी कि जिस कंपनी आपको छोड़ रही है, वो उस कंपनी को पे करना होगा। आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्क वीजा जो है ये पूरा पूरा एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, एम्प्लॉयर को ही पे करना होता है। इसलिए अगर आप बीच में जॉब छोड़ते हैं तो आपको कोई भी तरीके का पैसा देने की जरूरत नहीं है वीजा के लिए, और आपका वीजा अभी भी मान लीजिए 1 साल के लिए एक्टिव है, तो फिर आपकी नई कंपनी उस वीजा का पैसा आपको पुरानी कंपनी को देना पड़ेगा, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो अपडेट्स हैं ये यूएई लेबर लॉ के अंदर ही आते हैं, बट फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। तो 1 जुलाई से सारी चीजें फॉलो होने लगेंगी। अगर आपको बहुत लोग बोल रहे हैं कि सैलरी नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कहाँ कंप्लेन करें, तो इसके जितने भी कंप्लेन होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वहाँ पे, जिसको मुहरी बोलते हैं, या फिर आप लेबर ऑफिस में भी जाके, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स के ऑफिस में भी जाके, वहाँ पे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। गूगल में अगर सर्च करें वहाँ की हेल्पलाइन नंबर आपको इजीली मिल जाएगी, वहाँ पे आप टोल फ्री नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं या उनको ईमेल भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप गूगल में आपको इजीली मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हुई होगी, और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।